हेलो एवरीवन, मैं हूं शैलजा जोशी। स्वागत है आपका वर्ल्ड टॉप एजुकेशन में। दोस्तों, जनवरी का महीना आता है और पुरस्कारों की बौछार लेकर आता है। हाल ही में 71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2020 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। आज हम इस वीडियो में 2020 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की पूरी लिस्ट देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। इस बार 2020 में भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया है। दोस्तों, भारत रत्न पर मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं। आपने अगर वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। और अगर देख लिए हैं तो आपके लिए एक सवाल है, 2019 में किन तीन हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब पद्म पुरस्कारों की चर्चा करते हैं। पद्म पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार उन सभी गतिविधियों या विषयों के सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देता है जहां सार्वजनिक सेवा का एक तत्व शामिल हो। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेलकूद, नागरिक सेवा आदि में प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार एक शीर्षक या टाइटल नहीं होता है और प्राप्तकर्ता इसे अपने नाम के आगे या पीछे लगाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। पद्म पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री हर वर्ष एक पद्म पुरस्कार समिति का गठन करते हैं। इस समिति के पास पद्म पुरस्कारों से अलंकृत करने के लिए लोगों के नामों की सिफारिशें आती है। नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए खुली है, यहाँ तक कि स्वनामांकन भी किया जा सकता है, यानी आप अपना नाम भी पद्म पुरस्कार के लिए दे सकते हैं। इसके बाद पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए यानी अप्रूवल के लिए भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं। फिर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी 25 जनवरी को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों के नामों की घोषणा की जाती है। इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए जाते हैं। यह समारोह आमतौर पर हर साल मार्च या अप्रैल में आयोजित किए जाते हैं। एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें मरणोपरांत और विदेशी या NRI या PIO या OCI कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया गया है। NRI means नॉन रेसिडेंट इंडियन, PIO means पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI means ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इस वर्ष 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 युगल मामलों सहित 141 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। एक युगल मामला यानी यदि दो लोगों को साथ में अवार्ड मिला हो तो उसे एक ही काउंट किया जाता है। पद्म पुरस्कारों की सूची में 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 33 महिलाएं हैं, 18 विदेशी या NRI या PIO या OCI कैटेगरी के हैं और 12 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कृत किया गया है। टोटल 141 अवार्डीज में से 18 फॉरेनर्स या NRI या PIO या OCI कैटेगरी के
और 12 पॉस्थमस अवार्डीज को एक्सक्लूड कर दें तो इस वर्ष 111 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। मैंने बताया था कि एक वर्ष में मैक्सिमम 120 हस्तियों को ही पुरस्कृत किया जा सकता है। तो चलिए अब पद्म पुरस्कारों की पूरी लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण पुरस्कार, 7 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पहला नाम है श्री जॉर्ज फर्नांडिस। इन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये पूर्व रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट हैं अरुण जेटली। इन्हें भी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये पूर्व वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ। इन्हें भी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति दोनों हैं। ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग लेजेंड MC मैरी कॉम। इन्हें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। वे 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनने वाली दुनिया की एकमात्र महिला हैं। नेक्स्ट हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्रा। इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। वे ठुमरी के प्रसिद्ध गायक हैं। नेक्स्ट हैं सुषमा स्वराज। इन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वे भारत की पूर्व विदेश मंत्री थी। नेक्स्ट हैं श्री विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी। इन्हें अध्यात्म के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वे उडुपी में स्थित श्री पेजावर अधोखाजा मठ के पीठाधीन स्वामी जी थे। अब देखते हैं पद्म भूषण पुरस्कार। 16 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। M मुमताज अली। इन्हें अध्यात्म के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। सैयद मुअज्जिम अली। इन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वे बांग्लादेश के थे। मुजफ्फर हुसैन बेग। इन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। ये जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अजॉय चक्रवर्ती। इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। ये वरिष्ठ हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। इन्होंने ख्याल और ठुमरी में विशेषज्ञता प्राप्त की है। मनोज दास। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। ये ओडिया और अंग्रेजी के लेखक हैं, दार्शनिक हैं और वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। बाल कृष्ण दोषी। इन्हें आर्किटेक्चर के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। ये प्रसिद्ध वास्तुकार और भारत में आधुनिकतावादी वास्तुकला के अग्रणी हैं। कृष्णम्मल जगन्नाथन। इन्हें सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण मिला है। सामाजिक न्याय और सतत मानव विकास की गांधीवादी दृष्टि को साकार करने के लिए इनका जीवन समर्पित है। SC जमीर। इन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। ये नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल हैं। अनिल प्रकाश जोशी। इन्हें सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण मिला है। ये पर्यावरण कार्यकर्ता और वनस्पति विज्ञानी हैं। ये हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। डॉक्टर सेरिंग लैंडॉल। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। ये लद्दाख की पहली गायनोकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अग्रणी कार्य किए हैं। प्रख्यात उद्योगपति आनंद महिंद्रा। इन्हें व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। यह महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो 100 से अधिक देशों में ऑपरेट करते हैं। NR माधव मेनन। इन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय सिविल सेवक और कानूनी शिक्षक थे। इन्हें आधुनिक कानूनी शिक्षा के जनक माना जाता है। मनोहर पारिकर। इन्हें पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वे गोवा के मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं। प्रोफेसर जगदीश सेठ। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। ये अमेरिका के हैं। वैश्विक रूप से प्रसिद्ध मार्केटिंग मास्टर हैं। PV सिंधु। इन्हें खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। ये ओलंपिक्स में वुमेन सिंगल बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने वाली और BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय शटलर है। वेणु श्रीनिवासन। इन्हें व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। ये TVS ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो भारत के सबसे बड़े 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। अब देखते हैं पद्मश्री पुरस्कार।
118 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यहाँ मैंने सभी पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट दी है, आप देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं बता देती हूँ। डॉक्टर योगी अरोन चिकित्सा के क्षेत्र में, जगदीश लाल अहूजा लंगर बाबा के नाम से मशहूर हैं। वर्ष 2000 से लगातार चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल के बाहर मुफ्त लंगर लगा रहे हैं। जहीर खान रिटायर्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, अपने 15 साल के करियर में 610 विकेट्स लिए हैं। संजीव भीख चंदानी नौकरी.com के संस्थापक हैं। इंदिरा पीपी बोरा प्रसिद्ध सत्रिया डांसर हैं। ललिता एवं सरोज चिदम्बरम की जोड़ी है, बॉम्बे सिस्टर्स के नाम से मशहूर कार्नेटिक सिंगर्स हैं। वजीरा चित्रसेना श्रीलंका की प्रतिष्ठित डांसर हैं। ओइनम बेमबेम देवी फुटबॉलर हैं, इन्हें दुर्गा ऑफ इंडियन फुटबॉल भी कहते हैं। एम पी गणेश पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। तुलसी गौड़ा एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के रूप में लोकप्रिय हैं। अब्दुल जब्बार भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़े, इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। नेमनाथ जैन प्रेस्टीज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के फाउंडर चेयरमैन हैं। करण जौहर फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं। एकता कपूर इंडियन टेलीविजन एवं फिल्म प्रोड्यूसर हैं, बालाजी टेलीफिल्म्स की क्रिएटिव हेड हैं। मुन्ना मास्टर उर्फ रमजान खान राजस्थान के भजन गायक हैं। सत्यनारायण मुन्यूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जीतू राय नेपाली मूल के शूटर हैं जो भारत के लिए खेलते हैं। तरुण दीप राय तीरंदाज हैं, 2005 और 2019 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। एस रामकृष्णन सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी कप्तान हैं, इन्होंने देश को 2020 ओलंपिक टिकट दिलाया है। कंगना रनावत हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। अदनान सामी बॉलीवुड सिंगर हैं। डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा असम में हाथियों के डॉक्टर हैं। मोहम्मद शरीफ फैजाबाद में चाचा शरीफ के नाम से पुकारे जाते हैं, इन्होंने अब तक बिना किसी धार्मिक भेदभाव के 5,500 से अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। वशिष्ठ नारायण सिंह गणितज्ञ थे, इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। जावेद अहमद टॉक जम्मू कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुरेश वाडकर गायक हैं और बहुत ही बेहतरीन गाने दिए हैं। दोस्तों, ये वो पद्म पुरस्कार विजेता थे जिन्हें 2020 में सम्मानित किया गया है। मेरे अगले वीडियो नोबेल प्राइज पार्ट 3 में हम उन सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं को जानेंगे जिन्हें रिसेंटली 2019 में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे अगले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।